पानी के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। बड़ी वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रंग बिरंगी जानवर। उससे भी नीचे, जहां सूरज की किरण भी नहीं आ सकती थी, वहां एक अंदरूनी सल्तनत थी जहां पे हर किस्म के समुद्री जानवर रहा करते थे। वहां पे बादशाह अपनी माँ और अपनी 6 बेटियों के साथ रहा करता था और समुद्र पर राज करता था। बादशाह को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। बादशाह को डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों को पानी के ऊपर के हिस्से में तैरने की इजाजत नहीं दी थी। पानी से बाहर रहने वाले सारे इंसान बुरे होते हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? छोटी जलपरी ने सवाल किया। क्योंकि इंसान पानी को गंदा करते हैं और पानी में रहने वालों को मार देते हैं। छोटी जलपरी को जानना था कि जमीन पर रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियां उसके लिए काफी नहीं थी। उनकी दादी भी उन्हें इंसानों से दूर रहने का कहा करती थी। वो कहती थी कि छोटी जलपरी तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। जब छोटी जलपरी ने अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसने भी फैसला कर लिया कि वो भी बाहर जाएगी। वो डॉल्फिन के साथ हेमरन व्हेल से मिलने गई। हेमरन को गेट के अंदर और बाहर जाने की पूरी इजाजत थी। उसने हेमरन को पूरा प्लान बताया, लेकिन हेमरन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर उसने देखा कि छोटी जलपरी बहुत उदास है, तो उसने फौरन जलपरी की बात मान ली। हेमरन और डॉल्फिन दोनों गेट की तरफ जा पहुंचे। हेमरन को देखते ही गार्ड्स ने फौरन से दरवाजा खोल दिया। हेमरन और डॉल्फिन दोनों गेट के बाहर आराम से निकल गए। वहां से काफी दूर जाके हेमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी। जलपरी हेमरन की मदद से पानी के ऊपर तक जा पहुंची। उसने जिंदगी में पहली मर्तबा हवा को महसूस किया और नीले आसमान को देखा। बहुत उम्दा। थोड़ी ही देर बाद जलपरी को गाने की आवाज आई। जब वो ढूंढ रही थी कि ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है, तो उसने जिंदगी में पहली मर्तबा एक कश्ती को देखा। ये पानी का जहाज है ना, चलो वहाँ चलते हैं। जलपरी की दोस्त डॉल्फिन उसे रोकती रह गई, पर जलपरी बहुत दूर जा चुकी थी। वो कश्ती के पास जाने लगी जितना तेज वो जा सकती थी। ये कश्ती किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे एरिक की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। बादशाह अपने बेटे की शादी जितना जल्दी हो सके करवाना चाहता था, इसीलिए सारी शहजादियों को पार्टी में बुलाया गया था। वो तो शहजादा है, पर ये तो इंसान है, डॉल्फिन ने ऐसा कहा। छोटी जलपरी ने अपनी आवाज में धुन को मुकम्मल किया। शहजादी को ये आवाज बहुत अच्छी लगी और ढूंढने लगा कि ये आवाज आई कहाँ से। तुम छुप जाओ जलपरी, वरना ये तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने ऐसा कहा। छोटी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए। और उसी वक्त सल्तनत के अंदर पानी की जादूगरनी सब देख रही थी अपनी जादुई बॉल में। आखिरकार ये दिन आ ही गया। बादशाह की बेटी एक इंसान के साथ। आओ तूफान, आ जाओ और सबको तबाह बर्बाद कर जाओ। जादूगरनी का ऐसे कहते ही भयंकर लहरें कश्ती की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी। ये सब देखकर जलपरी को बहुत फिक्र होने लगी।
मुझे लगता है ये जहाज डूबने वाला है, हमें उनके जाकर मदद करनी होगी। छोटी जलपरी तैरते हुए डूबती कश्ती के पास आ पहुंची। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ी और उसको शहजादे की फ्लूट नजर आई और उसकी नजर शहजादे पर गई जो पानी के अंदर डूब रहा था। जलपरी ने शहजादे का हाथ खींचा और फौरन जमीन पर ले आई। उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ। शहजादे को होश आ जाता है और वो हल्के हल्के अपनी आंखें खोलता है। जलपरी बहुत खुश हो जाती है। दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो जलपरी को पता चला कि वो पानी से बाहर है और वो फौरन पानी में कूद गई। उसका एक मुहाफिज और एक मुहाफिजा उसके पास आए। एक लड़की ने मुझे डूबने से बचाया, उसकी आवाज मैं पहले भी कहीं सुन चुका हूँ। वो एक बहुत खूबसूरत आवाज थी। छोटी जलपरी वापसी सल्तनत में आ चुकी थी। शहजादे का फ्लूट उसके पास था और वो उसी के बारे में सोच रही थी। तभी बादशाह वहां आता है और छोटी जलपरी के हाथ में शहजादे की फ्लूट देखता है और उसने फौरन पहचान लिया कि ये इंसानों के हाथ की बनी हुई है। हमारे कुछ उसूल हैं और मैं चाहता हूँ कि सब उसे अपनाएं, खास तौर पर मेरे बच्चे। क्या यह सच है कि तुमने एक इंसान को डूबने से बचाया? मुझे बचाना ही था, अगर मैं उन्हें ना बचाती तो वो मर जाते। छोटी जलपरी ने ये जवाब दिया। बस करो, इंसान बुरे होते हैं, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बन सकता। बहुत ही गुस्से में बादशाह दरवाजे से बाहर निकल जाता है और जलपरी ने फैसला किया कि वो अब हार नहीं मानेगी। वो सल्तनत की जादूगरनी के पास गई और उससे मदद मांगी। वो मदद के लिए राजी तो हो गई, लेकिन उसने एक बहुत ही कड़ी शर्त रखी, एक बहुत ही महंगी चीज। मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगी जो तुम्हें इंसान में बदल देगी, फिर तुम अपने पैरों पे चल सकोगी और बदले में तुम मुझे अपनी खूबसूरत आवाज दे दोगी। मेरी आवाज? लेकिन वो मैं कैसे दे सकती हूँ? छोटी जलपरी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो शहजादे को देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। याद रखना, तीसरा दिन खत्म होने तक, यानी चौथे सूरज से पहले शहजादा तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, नहीं तो तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। छोटी जलपरी ने जादूगरनी की बात मानकर दवाई पी ली। जैसे ही उसने तैरना शुरू किया, तैरते तैरते उसका धड़ पैरों में तब्दील हो गया। डॉल्फिन की मदद से जलपरी किनारे तक पहुंच गई। शहजादा अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने देखा कि समंदर में से कोई चीज बाहर आ रही है। वो फौरन उसकी तरफ दौड़ने लगा। तुम? हम पहले भी मिल चुके हैं ना? हाँ, हम मिले हैं। उस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा और उसकी फ्लूट उसको वापस कर दी। शहजादे ने एक दफा फिर वही धुन बजाई जो उसने कश्ती में बजाई थी। उसने अपना सर हिलाके ये बताया कि उसने ये धुन पहचान ली है। हाँ, मुझे याद है, जब मैं ये बजा रहा था तो मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज भी सुनी थी। तुमने मुझे डूबने से भी बचाया था, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शहजादे को ये यकीन हो गया कि ये वही जलपरी है जिसने उसे बचाया था। उसको याद आया कि वो तो एक जलपरी थी और उसकी बहुत खूबसूरत आवाज भी थी। जलपरी ने बोलने की कोशिश करी लेकिन उसके पास आवाज ना थी। मुझे लगा कि तुम एक जलपरी हो। शहजादा ये सोचने लगा कि शायद ये वो जलपरी नहीं है जिसने उसे बचाया था, लेकिन फिर भी उसने ये फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगा। शहजादा जलपरी को अपने महल ले आया। बादशाह ने शादी की तैयारियों का हुक्म दिया। शहजादा बादशाह का हुक्म मान रहा था।
ये सब शादी की तैयारियां होते हुए जलपरी सिर्फ देख सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी जब तक शहजादे को अपनी आवाज में वो कुछ बता न सके और उसको जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, तीसरा दिन खत्म होने तक यानी चौथे सूरज से पहले शहजादा तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, नहीं तो तुम फिर से जलपरी बन जाओगी और शहजादे को भूल जाओगी। इसी तरह दिन गुजरते गए और आखिरकार तीसरा दिन भी आन पहुंचा और आखिरी दिन बादशाह और मलका अपनी बेटी को लेकर जाने लगे। वो लोग पड़ोसी गांव की तरफ निकल चुके थे। बेचारी जलपरी शहजादे को ये बता ही नहीं पाई कि जिस जलपरी को वो ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। और शहजादे को ये यकीन हो चुका था कि जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ एक ख्वाब था। वो अपने प्यार को दूर जाता हुआ देख रही थी। चौथे दिन का सूरज तुलू होने वाला था। उसी वक्त जलपरी उदास होकर रोने लगी, पर उसी वक्त कुछ नाकाबिले यकीन सा हुआ। सबसे पहले उसकी बहनें बाहर आईं और फिर उसकी दादी माँ। वो सारे उसकी मदद के लिए आए थे। मेरी प्यारी पोती, हम तुम्हें उस जादूगरनी की कैद से निकालने आए हैं। उस वक्त वो बहुत खुश हुई पर समझ नहीं पा रही थी कि ये मदद करेंगे कैसे। और उसके बाद पानी से बादशाह बाहर आया। उससे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं गया। वो अब समझ चुका था कि सच्चे प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। ओह मेरी प्यारी बच्ची, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कुछ अहम नहीं, जाओ उसके पास। बादशाह ने उसकी दादी के हाथ में एक चीज दी। फिर अचानक एक आवाज सी हुई और जलपरी की आवाज उसके पास वापस आ गई और छोटी जलपरी दोबारा बोलने के काबिल हो गई। मेरी आवाज, शुक्रिया दादी माँ, शुक्रिया डैडी, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। वो हिमरन की मदद से शहजादे की कश्ती की तरफ तेजी से तैरने लगी। शहजादा और शहजादे की शादी होने वाली थी और शहजादा अचानक से रुक गया। शहजादे को जलपरी की खूबसूरत आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि छोटी जलपरी उसकी तरफ आ रही थी और शहजादे ने फौरन से पानी में छलांग मार दी। मैं जानता था कि वो तुम ही थी। अपने घर वालों और दोस्तों की मदद से छोटी जलपरी को उसकी आवाज वापस मिल गई। लेकिन अब वो जलपरी नहीं थी, उसने अपनी आगे की जिंदगी इंसान बनकर गुजारनी थी। छोटी जलपरी और शहजादे की जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजर रही है, पानी और जमीन के बीच।